डायरेक्ट रेशो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई 30 लेटर कोई आदमी 10 सेकंड में टाइप करता है तो 60 सेकंड में कितने करेगा। तो यार देखो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 5 सेब अगर 50 रुपए के हैं तो 10 सेब क्या होंगे, 100 रुपए के। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप ना, जितने ज़्यादा सेब उतने ज़्यादा पैसे, तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा लेटर्स होंगे। लॉजिक से पहले समझो, और जब भी ऐसी सूरताल आएगी क्या लगनी है, डायरेक्ट रिलेशन। 10 को मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स से। 60 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 30 से। 10x = 60 × 30। और भाई इस तरह हमारा रिजल्ट आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 180। यानी कि अगर 10 सेकंड में 30 लेटर्स हो रहे थे तो 60 सेकंड में कितने होंगे, 180 होंगे। अब इस सवाल को एक बार और घुमा चुके हैं, कैसे 10 सेकंड की जगह उन्होंने 10 मिनट कहा था, और कहा था कि 10 मिनट में अगर 30 लेटर टाइप हो रहे हैं तो बच्चों 1 घंटे में कितने होंगे। 1 आवर का मतलब क्या होगा, 60 मिनट। कैलकुलेशन और रिजल्ट वही सेम आ रहा है, देखिए ना 30 और 60 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 10 उधर जाके डिवाइड होगा, तो बस पता होना चाहिए कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट है, मिनट में कितने सेकंड है। 1 आवर में सारे 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। 1 डे में कितने सेकंड होते हैं, इतने होते हैं भाई, देख लीजिएगा।